राजा अरिष्ट ने मिलू भगवान वाल्मीकि जी द्वारा वैराग्य ज्ञान की कथा सुनाना परम पूज्य संत बालयोगी प्रगटनाथ जी दे मुखारविंद। तो राजा अष्टनेमी ऋषि पार्थवाज एक दिन वाल्मीकि महाराज जी दे चरणा विच ऋषि पार्थवाज ने ओ आत्म तत्व आत्म ज्ञान सपन हो के पूरी शिक्षा लैके एक दिन रिखुमुख पर्वत की उस चोटी उपर पहुंचे जिते ब्रह्मा जी बैठे हुए सन। ब्रह्मा जी नू जाके बेनती की थी कि हे ब्रह्मा, जो मेरे सतगुरु जी ने मैनू ज्ञान दिता है, जे तुसी आग्ञा करो तो मैं वह ज्ञान तुहानू सुना सकदा। तो ब्रह्मा जी नू ऋषि भारद्वाज ने उस ज्ञान जिहड़ा ज्ञान वाल्मीकि महाराज जी ने ऋषि भारद्वाज नू दिता सीधा उही ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी नू सुनाया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए उस ज्ञान नू सुन के। ब्रह्मा जी कहन लगे, ऋषि भारद्वाज, इस ते प्रथाए तुहानू असीं की दे सकदे आं? तां भारद्वाज जी कहन लगे, महाराज जी, साडे ते बहुत ही तुसीं कृपा करदे हो, तुसीं मेरे नाल चल के मेरे सतगुरु अगे बेनती करो कि ज्ञान सारे संसार दे लोकां नू सतगुरु जी देन, सारयां ते कृपा करन, सारयां दे जीवन नू उज्जवल बनाण, सारयां दा जीवन सुंदर हो जाए, सारा संसार खिल जाए, सारी दुनिया चमक जाए। बस यही चाहुंदा हैगा, मेरी कोई आशा नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं। तां ब्रह्मा जी ने महर्षि दे नाल जाके वाल्मीकि महाराज जी अगे बेनती की कि महाराज, जो तुसी अद्भुत ज्ञान योग वशिष्ठ लिख के संसारी लोगां ते उपकार कीता है, तो इसी तरह सतगुरु जी करदे रहो, ये ज्ञान सारे लोगों नू ऋषि भारद्वाज जी देन, तुसी इन्हां नू आग्ञा दिओ, ये ज्ञान लोग प्राप्त करके अपना जीवन सुंदर करनगे, अपने जीवन नू उज्ज्वल बनाणगे। इस करके महाराज तुसी आग्ञा करो कि ऋषि भारद्वाज इस ज्ञान नू सारे संसार नू दसन। तो यह आग्ञा वाल्मीकि महाराज ने अपने उस चेले नू दित्ती, तो उन्होंने ज्ञान सारे संसार दे लोगों नू दिता। उही ज्ञान एक गुरु और चेले च प्रगट होया, तो गुरु और चेले दी प्रथा दा निर्माण होया। वही प्रथा जाके सर संसार दे विच आत्म शांति आत्म रस दा अमृत कुंड बन गया। जो उस जाप नू, जो उस जग्यासा नू हिरदे विच विसा के अनुसरण करदा है, तो जरूर सतगुरु दे दर्शन करदा है। एहो जे ज्ञान दी जग्यासा राजा अष्टनेमी, जो के जिस तां तों सूरज चढ़दा है, जिस तां शब्द छिपदा है, एडा वड्डा राज सपन राजा अष्टनेमी अपने मन में सोचदा है कि मेरे कोले किड्डा वड्डा राज है, किन्नी किन्ने सेवादार है, सारा संसार मेरे शासन विच है। पर मन विच शांति नहीं है, मन विच चंचलता है, मन विच व्याकलता है। राज विच बैठे बैठे बड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि संसार ते कोई आ रहा है तो कोई इत्थों जा रहा है, ये किहो जिहा संसार है। तो संसार दे नूं जाण जाण के वह भी रिखुमुख पर्वत ते जा के अखंड अतुट तपस्या करन करदे आ। जिसी तपस्या तो महाराजा इंद्र प्रसन्न हुंदा है, इंद्र दा संघासन डावांडोल होण लगदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि राजा अष्टनेमी इन्नी महान तपस्या कर रहा है, कि ऐसा ना होवे कि मेरा ये संघासन ही
ਖੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦੂਤ ਸਰਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜੀ ਰਿਖਮੁਖ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰ ਲੋਕ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਦੇਵਦੂਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੈ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅਗਾਧ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਫਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਮੇ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਮੇ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵਦੂਤ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਗਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਦੇਵਦੂਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਸ ਸਰਗ ਲੋਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਗ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
मैनू यह सुख नहीं चाहिए। जो सुख तुसी मैनू देना चाहते हो तो देव राजा इंद्र ने उस दूत नु कहा कि हे देवदूत तू राजा अष्टनेमी नू अपने रथों पर बिठा के महर्षि वाल्मीकि जी महाराज दे अस्थान उपर लै जा। वाल्मीकि महाराज जी ने एक आत्म शांति वास्ते आत्म ज्ञान वास्ते अद्भुत ग्रंथ बनाया जिसते सरवण मनन ते ध्यान नाल राजा अष्टनेमी जरूर आत्म ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो इस नूं सुन के इस बाणी नूं सुन के देवदूत फिर राजा अष्टनेमी दे कोल आया। अष्टनेमी नूं आउंदा देख के राजा अष्टनेमी ने फिर बेनती की कि हे देवदूत तू फिर आ गया है, मैं सर्व च नहीं जाना। तो देवदूत कहते हैं कि राजा साहब तुहानू मैं सर्ग च ले जाण लई नहीं आया, इस धरती दे उपर महायोगी महागुरु वाल्मीकि जी महाराज ने एक आत्म ज्ञान का स्रोत आत्म ज्ञान का एक महान योग वशिष्ठ ग्रंथ बनाया जिसते अनुसरण नाल जिसते पढ़न नाल जिसते बार बार विचार करन नाल तेनू जरूर आत्म ज्ञान का आनंद मिलेगा। तुसी मेरे नाल चलो वाल्मीकि महाराज के स्थान ते, वो बहुत ही महान ज्ञान दे सागर हैं, दया की मूर्त हैं, तो उसते दर्शन करन नाल उसते कोल रहन नाल तुहानू बहुत कुछ मिलेगा। तुसी मेरे नाल जरूर चलो, इस करके उसकी बार बार बेनती करन ते राजा अष्टनेमी उसके रथ उपर बैठते हैं जिस जगह उपर वाल्मीकि जी महाराज रहिंदे सन। वो जगह बहुत ही पावन ते पवित्र जगह सी, जिस जगह विच ते पशु पक्षी भी निर्वैर होके विचरदे सन। राजा अष्टनेमी जी ने मोरां ते सप्पां नूं देखिया आपस विच खेडदे, गौआं ते शेरां नूं देखिया, बिल्लियां अते चूहां नूं देखिया, बहुत इहो जिहा मनोहर उहनां दे आदर्श देखे। उसते मन नूं बड़ी शांति मिली, प्रसन्नता मिली। जदों वाल्मीकि महाराज दे उस कुटिया विच पहुंचे तो उन्हां दा दर्शनी स्वरूप जिसते दर्शन करन नाल राजा साहब दा अद्धा संसा दूर हो गया, उस दियां मन इंद्रियां खिल गईयां। वो जागृत अवस्था विच इस तरह प्रकट होए जिस तरह कमल दा फुल चिकड़ दे विचों बाहर निकलदा है। उसनू अमृत दे कुंड उपर जाके एक इहो जिहा अमृत मिलिया दर्शन नाल ही, जिसते नाल हमेशा अजर अमर हो गया उसनू महसूस होया। जिसनू उसने वार्तालाप कीती तां देव राजा इंद्र दे उस दूत ने बेनती कीती कि हे भगवान, हे सच्चिदानंद सतगुरु, मैं राजा इंद्र दा देवदूत हाँ, ये राजा अष्टनेमी है, इसने बहुत अखंड तपस्या की है, ये शांति दे पुजारी हैं, ये शांति चाहते हैं, ये आत्म ज्ञान चाहते हैं, इस करके इस इन्हों आत्म ज्ञान आप तो अलावा इस सृष्टि के उपर कोई नहीं दे सकता। ये सतगुरु इसनों वो ज्ञान दो जिस ज्ञान ना तुसी ऋषि भारद्वाज जी ने बहुत सारे महापुरशां नू कीर्तनत किया है, तो उसी ज्ञान राजा अष्टनेमी नू दो। तां वाल्मीकि जी महाराज ने उसनों अपने शरण विच लिया, राजा अष्टनेमी नू वो अद्भुत ज्ञान दिता जिसते नाल
वह चिर जीवी हो संसार दे विच विचरिया ते अपना कल्याण कर हजारां लोगों का हजारां प्राणियों का कल्याण कर गया। अज भी राजा अष्टनेमी का इस संसार दे विच बड़े अदब नाल ना लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कि राजा अष्टनेमी इस संसार दे विच शांति का पुजारी सीगा। शांति का वह कुंड सीगा जिस कुंड तो हजारों लोगों ने इनान करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया, अपने जीवन दिया उन्हां मंगां नूं पूर्ण किया जो उन्हां विच कमी जो उन्हां विच घाट सी दी उस नूं उन्होंने राजा अष्टनेमी तो पूरा किया। इस करके गुरु पैड़ी साहब ने गुरु शिष्य की परंपरा इस सदियों तो इस संसार विच ले आउंदी है। जदों जदों भी संसार दे विच कमियां हुई हैं उन्हां कमियां नूं महापुरशां ने पूर्ण किया है। किस तरह पूर्ण किया है? जिस तरह योग मत विच गोरक्षनाथ जी ने संसार दे भोग लबलास राजे जो कि एहो जी अवस्था विच विचर रहे सन जिन्हां नूं ना कोई दीन दुखियों पर दया सी ना कोई करना सी दी उन्हां नूं आत्म ज्ञान का प्रसाद दे के योग ज्ञान की शिक्षा दे के जिस तरह राजा पृथ्वी पूर्ण भगत अनेक एहोजै राजा नूं गोरक्षनाथ जी ने ज्ञान दिता जिस ज्ञान नाल उन्हां दा जीवन उज्जवल होया उन्हां दा जीवन एहोजा महान बन गया कि उन्होंने अपना राजभाग भी तुच्छ लगन लगा। जिस राजभाग की वह शासन करते सन लोगों ते हुक्म चलाते सन पर आप वो किसी के हुक्म चलना पसंद कर रहे क्योंकि परमेश्वर का हुक्म गोरक्षनाथ जी ने उन्हों दिया चक्षु ज्ञान उन्हों दी दिव्या वो जोत जिस नाल उन्होंने यूं महसूस होने लगा कि सारा ब्रह्मांड साढ़े विचों प्रगट होया है साढ़े ही समा चलिया है। यह ज्ञान उन्होंने महाराज श्री आदिनाथ गोरक्षनाथ जी तो मिले। इस गुरु शिष्य परंपरा सदियों तो चली आती है तो इसने अगाह चली जाना है। इस करके सानू सतगुर के ज्ञान नू सतगुर की उस शिक्षा नू अपने जीवन दे विच प्राप्त करके अपने जीवन का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए है जिस नाल असी अपने संसे अपनी कमियां ते निरोगी जीवन इस संसार से व्यतीत कर सकिए। जो बोले सुंदर है भगवान वाल्मीकि जी महाराज की सतगुरु ज्ञान आज जी महाराज की।